हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि लास्ट के इस महीने में हम कैसे अपने इंग्लिश लैंग्वेज के मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हैं, जितना हो सके उतना ज्यादा अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं इंग्लिश के अंदर। अब देखो, अब हमारे पास इतना टाइम नहीं बचा है कि बिल्कुल डिटेल में जाके एक एक टॉपिक बिल्कुल अच्छे से पढ़ें। क्या कर सकते हैं जिससे हमारे मार्क्स अच्छे आ जाएं, यानी कि 80% से ऊपर आ जाएं, ठीक है? तो इस वीडियो में बस वही डिस्कस करने वाले हैं हम। एक एक पॉइंट को अच्छे से समझना और उसको फॉलो जरूर करना, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। थिंक फर्स्ट, मास्टर इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब हम कैसे मास्टर करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक को? सबसे पहले आपको मैं बता देती हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे कि आप आराम से स्कोर कर सकते हो बहुत अच्छे मार्क्स को, ठीक है? सबसे पहला आता है आपका आरसी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेसिकली पैसेज है, आपके 12th क्लास में भी आपने सॉल्व करा होगा पैसेज। तो पैसेज की अगर मैं बात करूं तो फैक्चुअल हो सकता है, डिस्क्रिप्टिव हो सकता है, या नैरेटिव पैसेज आ सकते हैं, किसी भी तरह के इन तीन टाइप्स में से पैसेज आ सकता है। अब ये जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का जो वेटेज होता है ना, वो अप्रॉक्स 50 से 80 मार्क्स कैरी करता है, ठीक है? मैं बता रही हूं, अगर आपने इस टॉपिक को बिल्कुल अच्छे से कर लिया, कैसे करना है वो भी मैं अभी आपको बताऊंगी। सो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को अगर आपने अच्छे से कर लिया तो आपके आराम से 50 से 80 मार्क्स आ जाएंगे आउट ऑफ 200, मैं बात कर रही हूं, ठीक है? सो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को करने का बेस्ट तरीका है कि आप हर दिन एक पैसेज को सॉल्व करो, ठीक है? हर दिन आपको एक पैसेज सॉल्व करना है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द डे कि संडे है, मंडे है, सैटरडे है, छोड़ो मत, लास्ट के 25-26 दिन ही बचे हैं। हर दिन एक पैसेज अगर आप करोगे तभी जाके आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बिल्कुल अच्छा हो जाएगा, बिल्कुल मजबूत हो जाएगा। तो हर दिन एक एक पैसेज को सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। हमेशा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करते वक्त हाइलाइटर लेके बैठो और डिक्शनरी लेके बैठो, ठीक है? सो प्रैक्टिस जितना करोगे ना उतना आपके लिए बेस्ट होगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के केस में। दूसरी चीज आती है वोकैबुलरी। अब वोकैबुलरी के अंदर आपका सिनोनिम एंटोनिम आ जाता है, या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ जाता है, या फिर एडियम्स और फ्रेजेस आ जाते हैं, तो ये आपके वोकैब में आ जाते हैं और इससे अप्रॉक्स आपके 20 से 30 मार्क्स यहां से आपके बनने वाले हैं। 20-30 मिनिमम मैं बता रही हूं यहां से बनने वाले हैं। तो वोकैब को भी सॉल्व करने का एक ही तरीका है कि आप PYQ जाके सॉल्व करो, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है वो बेस्ट है आपके वोकैब के लिए, ठीक है? तीसरा आ जाता है आपके पास ग्रामर। ग्रामर के अंदर आपके टेंस आ जाते हैं, एक्टिव, पैसिव और नरेशन आ जाता है। तो ग्रामर यहां से भी आपके आराम से 20 से 30 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो ये जो तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, उसको आपको कवर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ट्रस्ट मी, इसके अलावा और भी टॉपिक्स हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ उसको इग्नोर करो, लेकिन पहले जाके इसको कंप्लीट करो, पहले जाके इसको कवर करो, उसके बाद ही कहीं और मूव करना, क्योंकि यहां से आपकी सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। अगर आप चाहते हो कि आप लास्ट के इन दिनों में अपने इंग्लिश को बिल्कुल अच्छे तरीके से मास्टर कर लो, वेदर इट इज आरसी और वोकैब, कोई भी टॉपिक हो, आपको सारे टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएं, तो यहाँ पे आई एम गोइंग टू रिकमेंड वन स्टॉप सॉल्यूशन, CUET Adda 24/7 के द्वारा क्यूरेटेड क्रैश कोर्स प्रतिज्ञा 2.0+। अब यहाँ पे आपको इंग्लिश के तो लेक्चर मिल जाएंगे, साथ साथ में आपको आपके डोमेन के सब्जेक्ट के भी लेक्चर्स मिल जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, मॉक टेस्ट, DPPs, डाउट सेशन और नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। तो यहाँ पे आपके लिए एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है जिसकी मदद से आप लास्ट के एक महीने में अपनी तैयारी को बिल्कुल मजबूत कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक को अटैच कर दिया है, वहां से जाके आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। कोई भी क्वेरी होगी आपकी, काउंसलिंग के रिलेटेड हेल्प चाहिए होगा, तो आप इनके नंबर पे डायरेक्टली कॉल करके बात कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस, एक्स्ट्रा 20% डिस्काउंट के लिए आप मेरा कोड ANI20 विच इज ANI20 को अप्लाई कर सकते हो और 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट पा सकते हो। फटाफट से जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके ऐप को डाउनलोड कर लो। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट विच इज MCQs और PYQs को डेली प्रैक्टिस करना होगा आपको। इंग्लिश लैंग्वेज को आपको हर दिन अपना 1 घंटा देना पड़ेगा बेटा, ठीक है? बिना आपको टाइम दिए हुए आप चाहोगे कि क्लियर हो जाए तो वो नहीं हो सकता है। हर दिन आपको 1 घंटे बैठ के MCQs, PYQs को सॉल्व करना पड़ेगा। आप वन शॉट लेक्चर से रिवाइज कर सकते हो या फिर शॉर्ट नोट से भी रिवाइज कर सकते हो। आपको कितना टाइम देना चाहिए इंग्लिश को ये डिपेंड करता है कि आपके जो सब्जेक्ट एलिजिबिलिटी है, जिस कोर्स के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो, जिस भी यूनिवर्सिटी में, उसमें क्या इंग्लिश के मार्क्स काउंट हो रहे हैं या सिर्फ आप पास कर जाओगे बस वही काफी है। तो उस हिसाब से आप देख लो, उस हिसाब से आप इसको टाइम दो। एंड ट्रस्ट मी, ये जो तीन चीजें मैंने बताई आज के वीडियो में, इसको फॉलो करके आप अपने मार्क्स को आराम से बढ़ा सकते हो। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना, आपको इंग्लिश कैसा लगता है ये भी बता दो। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।